जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। रायपुर, भोपाल, अम्बाला और हिसार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है बनने वाला है। ऐसे में देश में कुल 22 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना जो है रखी गई है। साथ ही साथ इसके लिए आधारशिला असम में रखी गई थी, जो कि एकदम से सफल हुआ है, जिसको अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर भी शामिल है। ऐसे में देश में जो है आर्थिक योजना को सुधारने के लिए कई जो गति है वो देने की दिशा में केंद्र सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क योजना के तहत मंगलवार को इसकी जो घोषणा है वो करी जा चुकी है। दोस्तों, अगर आपको लोगों को नहीं पता होगा कि ये आखिरकार मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है क्या, मल्टी मॉडल, तो आपको बताते चले कि इस मॉडल के माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रख दी गई है, जिसके माध्यम से अब आपको जो है सीधे हवाई यात्रा, साथ ही साथ सड़क, रेल व जल मार्ग से सीधे कनेक्टिविटी मिलने वाली है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ से सीधे अगर आप जाना चाहेंगे देश के किसी भी कोने में, तो आपको हवाई और साथ ही साथ सड़क यात्रा और रेल व जल मार्ग से सीधे कनेक्टिविटी देश के बड़े बड़े शहरों तक मिलने वाली है, और बहुत ही कम में आप बहुत ज्यादा लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। खैर दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को छठी किस्त का भुगतान सीएम भूपेश बघेल द्वारा कर दिया गया है। ऐसे में 9 करोड़ के लगभग भुगतान जो है राशि की गई है। आपको बता दें चले कि गोबर खरीदी के एवज में छठी किस्त का भुगतान जो है बीते दिन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से हितग्राही है तो उनको जो है उनकी जो भी खरीदी का मूल्य है उसको भुगतान किया जा चुका है। तो ये आपके लिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए एक क्विक अपडेट आपके लिए लेकर हम सामने आए थे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर मरवाही उपचुनाव के तहत एक जो घपला है वो यहां पर सामने आ रहा है। आपको बता रहे चले कि जो जोगी परिवार है तो वो पूरी तरह से इस योजना से, यानी कि इस जो उपचुनाव का महासंग्राम है, तो इससे पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो इसी बीच रेणु जोगी जो है मरवाही में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने लोगों से कह रही हैं कि आपको बदला लेना है, अमित जो है न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, तो उस पर आपको जो है बदले की भावना से लेकर चलना है। ऐसे में जोगी परिवार पूरी ताकत से अपनी नाराजगी दिखाने में लगी हुई है। ऐसे में अमित और उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन जो है चुनाव आयोग द्वारा रद्द किया जा चुका है फर्जी जाति के मामले में। वहीं मरवाही उपचुनाव इस बार सामान्य नहीं रहने वाले हैं। इस अंदाजा एक वीडियो से लगाया जा सकता है, जहां पर आप वे वीडियो देख रहे हो। वीडियो जो है मरवाही का है, जिसमें पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी दिख रही है। वो वीडियो में लोगों से अजीत जोगी पर लिखी किताब बांट रही है और लोगों से कह रही है कि बेटे अमित जोगी को नामांकन से काट दिया गया है, अन्याय हुआ है और आप सभी को इसका जो है बदला लेना होगा। तो आखिरकार अब देखना ये होगा कि किस प्रकार का जो बदला है वो यहां पर निकलकर सामने आता है जोगी परिवार का। खैर दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है। इससे पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ये छोटा सा काम आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी खबरें हो छत्तीसगढ़ की वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पहुंचती रहे। साथ ही साथ आज के महामारी के ताजा अपडेट आपको बताते चले, जैसा कि हम आपको रोजाना बताते हैं। आपको बताते चले कि अपर आयुक्त भट्टाचार्य समेत 2507 नए मरीजों की पुष्टि बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो चुकी है। इनमें रायपुर के 180 केसेस मिल है, यानी कि रायपुर में अब जो केसेस है वो लगातार घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत की ओर इशारा करते हैं। साथ ही साथ 50 नए मौतें भी बीते 24 घंटे में दर्ज की जा चुकी है, जो अपने आप में मृत्यु का एक बहुत बड़ा आंकड़ा आप समझ सकते हैं। वैसे इन नए मरीजों के मिलने की वजह से अब जो है प्रदेश में टोटल जो केसेस है तो उनकी संख्या बढ़ करके 1,65,281 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं एक्टिव केस अभी फिलहाल 25,709 बताए जा रहे हैं, जबकि रायपुर में पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है, यानी कि जो केसेस हैं उनकी संख्या लगभग 39,000 पर पहुँच चुकी है, और एक्टिव केस अभी फिलहाल रायपुर में 7,744 बताए जा रहे हैं, और प्रदेश में अब तक 1,37,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घर को वापस लौट चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर रायपुर में सियासी हंगामा आपको देखने को मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से, जहां पर बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में जो भाजपाई है, जो विपक्ष है, वो यहां पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को घेरने जा रहे थे। तो ऐसे में सैकड़ों भाजपाइयों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जमकर इन लोगों के बीच जो झड़प का सामना है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है।
जबकि जो धरना स्थल है तो उस पर तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। ऐसे में सभा के बाद रैली भी निकाली गई थी। ऐसे में भाजपा का आरोप निकलकर सामने आ रहा है कि राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है प्रदेश की जनता को। ऐसे में रायपुर में ये जो बड़ा विश्व यानी कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितने विस्तृत संख्या में ये जो भाजपाई है वो जुटे हुए थे, यानी कि विपक्ष को भी मजबूत होना अपने आप में बेहद जरूरी होता है एक अच्छे सरकार को चलाने के लिए। खैर दोस्तों, ये तो हो गई राजनीति वाली खबर। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आज की अगली बड़ी खबर आई है। बस्तर में 4 से लेकर 5 स्टील प्लांट खुलने वाले हैं। सरपंच संघ की मांग पर सीएम बघेल ने इसकी सहमति जता दी है। जहां पर सरपंच संघ की मांग पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के विकास और समृद्धि के लिए 4 से लेकर 5 बड़े स्टील प्लांट को खोलने की सहमति प्रदान कर दी है, ताकि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। ऐसे में दंतेवाड़ा जिले से आए सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी रायपुर में बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है उनके निवास कार्यालय में, और साथ ही साथ जो सौजन्य है तो मुलाकात करके क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा हुआ है। और मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा जी की इच्छा भी यही थी कि दंतेवाड़ा बस्तर अंचल में बड़े उद्योग लगे, तो आखिरकार ये जो सपना है वो अब पूरा होने जा रहा है। खैर दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर शक्ति की मिसाल इस नवरात्रि के तौर पर और आपको बताते चले, जहां पर महिलाओं ने मिलकर गांव के शीतला मंदिर जाने तक के लिए 9 महीने में पहाड़ी काटकर 300 मीटर सड़क बना दी है। तो अपने आप में शक्ति की मिसाल ये निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बालोद जिले के डोंडी लाहौरा में हिताब पठार गांव में करीब 159 परिवार की महिलाओं ने अपना श्रमदान किया है। प्रशासन इन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन क्या हुआ, ये शक्ति अपना जो प्रदर्शन है वो करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शायद मैं आपको भूल गया बताना। ऐसे में आपको बताया चले कि जो मंदिर जंगल की घिरी से पहाड़ी के ऊपर एक जो गांव के ऊपर जो है शीतला का मंदिर है, शीतला माँ का मंदिर है, तो ऐसे में मुख्य मार्ग से मंदिर करीब 3 किलोमीटर दूर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ी का बीच रास्ता है, वह भी झाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में मंदिर जाने के लिए इन लोगों ने अभी जो है सड़क को अपने श्रम के योगदान के माध्यम से बनाया हुआ है, जो अपने आप में शक्ति के रूप में एक नया जो प्रदर्शन है वो आपको देखने को मिल सकता है। खैर आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस के स्मृति दिवस बीते दिन आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने कहा है कि हम सुख की नींद ले पाते हैं क्योंकि पुलिस जागती रहती है। डीजीपी ने शायरी से अब हौसला बढ़ाया है, साथ ही साथ कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसा कहना है डीजीपी का। साथ ही साथ रायपुर के 4th बटालियन परिसर में ये जो पुलिस स्मृति है, तो पुलिस स्मृति दिवस के परेड में ये दिग्गज है वो यहाँ पर शामिल हुए थे। बीते दिन की बात है, यहाँ पर जवानों की शहादत और शौर्य को याद किया गया, और स्मारक पर अपने जो श्रद्धा सुमन है राज्यपाल सहित जो डीजीपी है और साथ ही साथ दिग्गज पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने अपने जो श्रद्धा सुमन है वो यहां पर अर्पित किए हुए हैं। दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में सरकार के साथ आईआईटी और आईआईएम समेत जो 18 संस्थानों के लिए एमओयू है, एक जो साइन होता है सहमति होता है, तो उस पर जो है बेहतर योजना बनाने में एक्सपर्ट जो है मदद करने वाले हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है उच्च शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों समेत जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, तो आईआईएम हो गया, आईआईटी हो गया, तो इन समेत 18 संस्थानों के लिए एमओयू जो है मुख्यमंत्री ने साइन किया हुआ है। जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का काम केवल डिग्री देना ही नहीं, समाज की बेहतरी के लिए काम करना भी है, जो अपने आप में बिल्कुल सही बात भी है। अब आपको बताया चले कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के साथ जो एमओयू है उसको साइन किया गया है। अब प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है, प्रदेश बना पहला राज्य जहां विकास इन संस्थानों में भागीदारी होने वाली है। अब देखना यह होगा कि ये जो एमओयू है उसके कितने फायदे निकल कर सामने आते हैं, जो बीते दिन मुख्यमंत्री ने साइन किए हुए हैं। खैर दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर आई है, पर इंडियन रेलवे से भारतीय रेलवे से खबर आई है। रेलवे के पुराने दिन अब लौट चुके हैं। ऐसे में इस माह यानी कि आने वाले माह में नवंबर माह में पीक पर जो यात्री सीजन है इसकी जो अनुशंसा है वो यहां पर जताई जा रही है। टिकट काउंटरों पर भी भीड़ अब लगने वाली है। अभी भले ही केवल जो 130 ट्रेनें हैं वो पटरी पर नहीं आ पाई हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 130 ट्रेनें हैं वो अभी पटरी पर नहीं आ पाई है, लेकिन धीरे धीरे करके जो भारतीय रेलवे है अपनी ट्रेनों की संख्या
लगातार बढ़ाती जा रही है, सीजन को देख करके बढ़ा रही है। ऐसे में त्योहारी सीजन में रायपुर जंक्शनों से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही रेलवे का नवंबर माह जो है पीक यात्री सीजन होने वाला है, क्योंकि आरक्षण टिकट काउंटरों में पहले जैसे रिजर्वेशन का आंकड़ा धीरे धीरे अब पहुंचने लगा है। ऐसे में सभी दिशाओं की तरफ रेल सेवा की बहाली के बाद रिजर्वेशन की तादाद बढ़ने वाली है और साथ ही साथ अभी फिलहाल बढ़ ही रही है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में अब जो यात्री की संख्या है वो पीक पर होने वाली है। तो ये अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय रेलवे की सेवा पुराने ढंग से स्टार्ट हो गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। आपके दोस्त अभिजीत कुमार को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आपके भाई को एक वीडियो में इस वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए है तो चैनल को तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका छोटा सा लाइक और छोटा सा सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होता है, जो कि आप कर देंगे, मुझे पता है। खैर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।